हम दो तीन दिन से सोए नहीं और थके भी हुए हैं। कितना मजे का व्यू देखने को मिल रहा है भाई। ये ना 10 साल बाद आए हैं अपने घर मुख्तियार भाई ना। तो कैसे अपने बच्चों से मिले? हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। भाई कल रात को हम बैठे हुए थे, मैं और मेरा दोस्त, तो हमने प्लान बनाया कि हमने कल एक वीडियो देखी कि भाई कैलाश के अंदर लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती हैं। आओ माँ कसम, कोई सेटिंग शेटिंग करनी पड़ती है, कोई तीर शीर चलाना पड़ता है, कोई आंखों से नैन मटके करने पड़ते हैं, थोड़ा सा मजाक पकड़ना करना पड़ता है, तो भाई साहब लड़कियां हो जाती हैं। मैं और मेरा शैतान दोस्त कल हमने प्लान बनाया कि यार हम क्यों ना जाएं। हमने भी प्लान बना लिया कि भाई हम चलते हैं, जाके फेस्टिवल करेंगे एंजॉय। तकरीबन 2 दिन बाद फेस्टिवल स्टार्ट है और हमारे घर से तकरीबन 1300 से 1400 किलोमीटर का सफर है, तो हमने सोचा कि यार चलते हैं, जाकर हम भी मजे करते हैं, शायद हमारे साथ भी कोई। हाय हाय, इतना सुकून, समझ रहे हो? चलो यार चलो। तो यार यहाँ से 5 बजकर तकरीबन 5:15 पे एक बस निकलती है, तो हमने प्लान बनाया कि उस पे चलते हैं। वो यहाँ से जाएगी 52 नगर, 52 नगर से इस्लामाबाद की पकड़ेंगे और हम चलते हैं। तो मैंने यार ये रात को ही बैग बना लिया था और अपना एक छोटा बैग भी बना लिया था जिसके अंदर भाई हमने रखना है सामान वगैरह, ये रहा। तो इसके अंदर मैंने अपने चार्जर, जरूरी जो भी चीज़ होती है तो वो मैंने रख लिया और अब चलते हैं। ट्रैक सूट पहन लिया, छोटा बैग भी रख लिया और अपना बैग भी बना लिया। और मेरे साथ है T2 प्लस ताबी, ये मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं और मेरा दोस्त अड्डे पे मेरा इंतजार कर रहा है क्योंकि बस निकलने में 2-4-5 मिनट रह गए हैं। जल्दी चलो, जाकर पकड़नी भी है यार बस। ये यहाँ का भाई अड्डा है, ये चेक कर लो, ये बसें वगैरह निकलना स्टार्ट हो गई है। वो देखे, आई थिंक वो हमारी बस आ रही है, हमने उसमें बैठना है और हम चलते हैं। शेबी का इंतजार कर रहा था अभी तक, तो वो नहीं आया। है भाई ये हमारी गाड़ी और आ गए हैं हम और टीटी और को कर दिया बाय बाय। ये रहा शेबी डॉन। यार 2 घंटे अभी सफर किए हैं, अभी हम मंडी सादेगंज से आए हैं 52 नगर। मेरे अंदाजे से वो वाली बस है भाई। क्या अंदाजा है, यही है? शर्मा रहे है कुतिया, भाई ये शर्मा रहा है, बंदा यूट्यूबर है, ये शर्मा रहा है भाई। हम पता करते हैं, मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं भाई, क्यों भाई ये कर रहा है ड्रामे। हाँ ये भाई इस्लामाबाद की है, तो हम करते हैं चेक, हमें नहीं पता कब निकलेगी। देखो कोई चीज पता कर भाई, यार ये पता कर ले। तो चलते हैं, नारा मारते हैं, इसके अंदर बैठते हैं। हम सारी रात से नहीं सोए, यकीन करो, अभी घर से निकले हैं तो ना इतनी तेज नींद आ रही थी और एक हो गया रास्ता क्योंकि इसकी बद्दी टूट गया, सारा प्रोग्राम बढ़ गया। ये जगह भाई ये भी पता करके बताता है कि कब बस निकलेगी, क्या सीन बनता है। यार अभी गाड़ी को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भाई बता रहे हैं, अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि 1 से 1.5 घंटा, ये 8:45 पे निकलेगी, 8:45 पे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई हम क्या करें इतनी देर, अभी पूरे 2 घंटे पड़े हैं। कोई ख्याल है क्या करना चाहिए हमें? भाई साहब पता क्या बात है, जो जीटी रोड वाली गाड़ी गाड़ी मतलब बस है ना, हाँ ये अभी निकल रही और ये सुबह पहुंचाएगी 5 बजे, ठीक है, और जो 9 बजे निकलेगी 8:45 वो भी 5:15 बजे पहुंचाएगी, तो फिर इसकी वजह इससे बेहतर ये है कि मोटरवे पे चलते हैं भाई। हाँ मोटर वे पे, ये आपका फैसला अच्छा, और ये जाएगी 160 पे, अभी भाई ने बताया वो जाएगी 120 पे। उस पे जलील भी होंगे ना भाई, ये सारा हाँ। रोड होता है ना जो मोटर वे होता है, तो फिर अपना फैसला यही है भाई, हमारा फैसला यही है। तो हम इतने तकरीबन कोशिश करते हैं 1-1.5 घंटा यहाँ पर टहल टूल लेते हैं या कोई पंगे शंके कर लेते हैं, अगर काल कुल कर रहे हैं, अगर कोई आ गया तो उनके साथ चले जाएंगे, वरना देखते हैं, वरना यही। भाई साहब गाड़ी हो गई है बिल्कुल तैयार, ने कर ली है टिकटें काबू, ये मेरा कजन था इसके साथ हम चले गए थे घर, और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठते हैं क्योंकि हमें आ रही है बहुत ज्यादा तेज नींद। हमारा काम है सिर्फ जाते साथ सोना। गाड़ी बड़ी VIP है, बैग शैग रखते हैं और चलते हैं अंदर। ये है अपनी गाड़ी, बड़ी VIP किस्म की, अपनी सीटें हैं पीछे, तो अपन ने जाना है बिल्कुल पीछे। 23-24 हाँ नहीं 23-24 नहीं, अपनी 44-45 है, हाँ एंड वाली सीटें अंदाजा अपनी है, चलो वहाँ चलो। यार हमें ये मिली है बिल्कुल एंड वाली सीट है, ये लास्ट सीट है, उसके पीछे भाई और ये वाली 2 सीटें हैं। झटके बड़े लगने हैं, बुरा हाल हो जाएगा, और हमें नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। अब हमारा काम है सिर्फ सोना, 9 बजने वाले हैं, 9 बजे ये बस निकलेगी इस्लामाबाद, 5 बजे पहुँचाएगी। 52 नगर बावली से चढ़े हैं, 52 नगर से कैलाश का सफ़र। यार इन गाड़ी वालों ने ये सहूलत दी है कि भाई टैब लगे हुए हैं उसके अंदर, ये कोई मूवीज़ हैं और पंगे शंगे हैं, 2-4 चीज़ें हैं, तो भाई शुएब खेल रहा है गेम, तो भाई ये जूम करी जा रहा है 2 घंटे से, और तो कोई जीन चीज़ चल नहीं रही, पता नहीं क्या ओपन हो रहा है खुद ही। ये गेम के नज़दीक पहुँचता है ऑटोमेटिक गेम पीछे चली जाती है, ये देखें अब कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ और चलने लग जाए, ऑटो ये सारा कुछ ऑटो है। यार लगातार स्टिल 3 घंटे चलने के बाद अभी भी बस साहिवाल फिर रही है। ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया, और अब गाड़ी फुल भरी हुई है, पानी नहीं आ रहा है भाई साहब, हाँ पानी भी नहीं आ रहा।
और पीने वाला पानी भाई। एक घंटे के बाद हमारे हाथों में आ गए हैं गिलास। अब यार मैंने ना पानी पीने वाला बोला था भाई, ठीक है, पीने वाला पानी नहीं आ रहा, शुक्र है ये गिलास ही आई अभी। हाँ। ये पानी आंटी लेने गई है, वो लेके आई आंटी। अब हमें हौसला हुआ है कि कुछ आ रहा है, गिलासियाँ आ गई हैं, फिर स्टिल एक घंटा वेट करना है हमें। और हमें एयरपोड्स मिल गए हैं, सॉरी एयरपोड्स हेडफोन्स मिल गए हैं, उन्होंने कहा कि इंजॉय करो 10 से 15 मिनट। यार ये हमारा सामान उतर गया, हम मंडी मोड़ उतरे थे, ये आगे पहुँच गई 6:30 बजे तकरीबन, इसने हमें पहुँचा दिया, नहीं 5:30 बजे पहुँचे हैं। तो सामान वगैरह हमारा ये थोड़ा सा इधर, तो हम उतर गए हैं, आप चित्राल वाली गाड़ी पकड़ते हैं उधर चलते हैं। शेबी क्या एक्सपीरियंस रहा भाई सफर का? तो बहुत जबरदस्त भाई रहा, क्योंकि मैं तो सारा रात सो रहा था। यार असल तो इस बंदे का सफर गुजरा भाई, तो तू रहा था, मैंने तो ये पहले ही बोला था कि यार मुझे सफर में नींद नहीं आती भाई, सफर में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तुझे ज्यादा नींद आनी चाहिए भाई। यार मैं 2 दिन हो गया सीरियसली, 2 दिन से मैं नहीं सोया। मुझे भाई बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, लेकिन यकीन करो 1 मिनट भी मैं बस में नहीं सोया। और ये बंदा स्टिल सारे रास्ते सोता आया, मजे में करता आया, लेकिन भाई मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। इस्लामाबाद इन्होंने उतार दिया मंडी मोड़ के ऊपर, और अब हमने पकड़ना है यहाँ से कोई रक्षा या कोई चीज पकड़ के हमने चित्राल वाली बस स्टैंड पे जाना, हमें अब बस स्टैंड पे जाना है, और हमने वहाँ से चित्राल की पकड़नी है बस। और तकरीबन हमारा इरादा है कि 1-2-3 बजे तक तो पहुँच जाए, क्योंकि हमें भूख भी लग रही है, हम खाना भी खाते हैं। भाई बड़े शहरों का क्या होता है, रोड पे से बंदा गुजर ही नहीं सकता, 70 सीढ़ी चढ़ के ये पुल सराब से गुजर के जाना पड़ता है। एक हमारे पे बैग है और एक हम थके पड़े हैं, क्योंकि हम कितने आप थके हुए मैं तो सो गया हूं, मैं यार हाँ मैं तो थका हुआ हूँ, क्योंकि यार हम तकरीबन कोई 14 घंटे से सफर कर रहे हैं। हाँ भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रोग्राम बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसे आ रहा है। पूरे अड्डे पे हमने पता कर लिया ये रहा, वो चित्राल की डायरेक्ट कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है, उन्होंने कहा चित्राल की गाड़ी जाएगी शाम को। तो अब एक सामने भी अड्डा है, तो हमारा इरादा बन रहा है कि वहाँ पे पता करके आए, अगर सीन बन गया तो ठीक है, वरना जलील होना पड़ जाएगा। यार ये फैमिली रेस्टोरेंट है, तो हम आए थे बस का पता करने, तो हमारा इरादा बन रहा है कि यार यहाँ पे ना कोई चीज खाते हैं, अभी अंदर चल कोई चीज खाते हैं, कोई ट्राई करते हैं। यार हमने मंगवाए हैं पराठे और चने, और बड़े शहरों के अंदर तो लगता है भाई डर। हाँ समझदार हो, तो पराठे और ये आ गए हैं, तो करते हैं खाना। हाँ भाई मेरा यार बन गया फुल नेपाली। अस्सलाम वालेकुम, ये है भाई जुबैर भाई, यहाँ हमने खाया खाना, मारते हैं नारा। हाँ सॉरी नारा मारते हैं, अब चलते हैं, अगर कोई बस वगैरह का सीन बन गया तो ठीक है, वरना हमारा फैसल मस्जिद का सीन बन रहा है। यार अब हमारा प्लान है फैजाबाद जाने का, फैजाबाद से हम फैसल मस्जिद की तरफ निकलेंगे, सफ़र बिल्कुल नहीं पता। तो तुक्के चुक्के मारते बंदों से पूछते जा रहे हैं, बस पहुँच जाएँ। अभी एक हो गए हैं जलील। और अभी एक बंदे को कॉल की थी, तो उन्होंने कहा कि चित्राल की बस निकलेगी 8 बजे, तो हमारा इरादा बन रहा है कि भाई उन्हीं के साथ चलते हैं। अब इतनी देर, अभी तो 7 बजे हैं, पूरे 20-22 घंटे पड़े हैं, तो हमने क्या करना इतनी देर। हमने सोचा कि यार फैसल मस्जिद चलते हैं, यहाँ की मशहूर चीज़ है। यार गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ना पूछो कैसे थक गए हैं। हमने इस्लामाबाद के अंदर रुके थे, हमें उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो बस है वो निकलेगी रात को, हम चले गए फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद हमारा पूरा दिन गुजर गया, वहाँ हमने शॉट नहीं डाला इसके अंदर, क्योंकि मोबाइल के अंदर बैटरी नहीं थी और वहाँ लगाने के लिए जगह नहीं थी। उसके बाद रात को हम पूरे 7 बजे निकले हैं गाड़ी के अंदर बैठ गए, क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी। रात को एक होटल के अंदर रुके हैं खाना खाने के लिए, वहाँ पर ये 30% चार्जिंग की है। अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, अब हम चित्राल उतर गए हैं और अब हमने जाना है बस स्टैंड की तरफ, हम जा रहे हैं वो यहाँ से तकरीबन है कोई 1/2 किलोमीटर, फिर हम निकलेंगे कैलाश की तरफ। 2 दिन से सोए नहीं, थक बहुत ज़्यादा गए। हाँ भाई खाना खराब, लेकिन यार यहाँ पहुँच के ना ये व्यू और मजे मजे के नज़ारे देख के ना दिल खुश हो गया, इतने मजे मजे के नज़ारे, बादल शादल चीज़ें, ओए होए बंदे का ना नहीं भी थकन थी सारी उतर गई है सीरियसली। भाई यहाँ इतने सारे पहाड़ हैं, तो हमने पूछा कि भाई किसी भी पहाड़ का ना नाम बता दो, तो वो बंदा भागा हुआ जा रहा है, उसने बताया कि इनमें से पता नहीं कौन सा 13 मेर पहाड़ है, वो ये वाला भी हो सकता है, वो ये वाला भी हो सकता है, वो वाला भी हो सकता है, या फिर वो जो हमारे पीछे है वो भी हो सकता है, हमें नहीं पता। उसने कहा 13 मेर इशारा करके गया, पता नहीं वो 13 मेर कौन से वाला है।
उस भाई ने बोला था कि आधा किलोमीटर है, मगर आधे से बहुत ज्यादा हो गया। हम चली जा रहे हैं, स्टिल चली जा रहे हैं, व्यू देख के इतना फील नहीं हो रहा। हम दो तीन दिन से सोए नहीं और थके भी हुए हैं। हमारा प्लान है यहाँ पे तो हमने बिल्कुल नहीं रुकना कि हम क्लास जाएं, वहीं स्टे करें, अपना आज का दिन आराम करेंगे और कल मेरे अंदाज से फेस्टिवल स्टार्ट होगा। तो आज तो आराम ही बनता है क्योंकि दो दिन से सोए नहीं, ये हालात देख लो, मुंह तक नहीं धुले, 17-17, 18-18 घंटे की बसें पकड़नी पड़ रही हैं कहीं से, और रस्ते के अंदर लैंडस्लाइडिंग हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अभी तक अड्डे का भी नहीं पता कि कितनी आगे है बस स्टैंड। यार वो बंदा बोल रहा था, अपने एक बंदे से पता किया, वो बता रहा था कि भाई 20-25 मिनट के अंदर ड्राइव है। हमने इस बंदे को कहा कि भाई मेहरबानी कर हमें छोड़ के आ, तो अभी हमें छोड़ कर आएगा नीचे। चलो ये बैठते हैं नीचे, चलो बैठते हैं अंदर। खान साहब हम आगे बैठेगा, बैठ जाए यार, मैं आगे बैठ के उस साइड पे खान साहब किस जगह आऊं, इधर आऊं? लाओ भाई मैं बैठता हूँ इधर। कौन सा? चलो यार जिंदगी का न्यू सफर, वो भी रिक्शे पे आगे बैठ के। मैंने कहा था खान साहब को कि खान साहब मुझे चलाने दो। खान साहब आपका नाम क्या? क्या नाम है? शिजोरा खान साहब को मैं कहा यार मुझे चलाने दो, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि आप कहीं मारोगे तो हम चलाते हैं। यार यहाँ के एक और नया सरप्राइज मिल गया कि भाई कैलाश की कोई बस नहीं जाती है, वो रोड है बहुत ज्यादा छोटा। तो इन्होंने कहा कि एक ये वाली बस जाएगी, ये भी हम लेकर जाएंगे और वहाँ से एक बंदा आता है, वो 9 बजे आता है और तकरीबन 1 बजे चलता है। ये एक नया टीका लगेगा तकरीबन अगर देखा जाए तो। इतना हैवी किराया मांगते हैं यार। यार 2 घंटे स्टिल इंतजार करने के बाद भाई ने अपनी पराडो के अंदर हमें बिठा दिया। और बिठाया कहाँ पे है? ये फ्रंट सीट पे हम दोनों को, और गियर को देख लो। मुझे तो जाएगा भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा ये गियर मेरे साथ करेगा क्या रास्ते के अंदर। और यार मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई हम आए हैं 11 को, वो पीछे कलाशी लड़का बैठा हुआ है, उसने हमें सही गाइड किया है कि बड़ा फेस्टिवल 16 तारीख को मनाया जाता है और हम 5 दिन पहले आ गए। हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। हमारा इरादा था कि चित्राल में 1-2 व्लॉग पूरा करें या 1-2 दिन यहाँ रुकें, लेकिन अगर हम यहाँ रुक जाते हैं तो वहाँ पर हमें होटल बहुत महंगे मिलेंगे। वो बता रहा था कि फिर होटल के रेट कम से कम 10,000 से स्टार्ट होंगे पर नाइट, तो हमारा तो इतना बजट है नहीं, तो इस वजह से अब हम आज ही निकलेंगे और बस पहुँचते हैं वहाँ। ये गाड़ी स्टार्ट की है तो व्यू चेक करें। ओए होए सुभान अल्लाह, जाके हमारा रास्ता वीडियो बनाओ, ये मत बनाओ। अच्छा ये आपका नाम क्या? मेरा जी आपका? मेरा मैं MBA भी हूँ। ये MBA है जी गाड़ी वाले। तो ये कह रहे हैं ये व्यू कोई मजे का नहीं है, मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा वो इससे ज्यादा मजे का व्यू। ऐसे ही है जी, ठीक है। ये रोड देख लो, यहाँ और यहाँ पे कैसे कैसे रोड है साले। भाई तुम्हारी एक गलती हमारे को भारी पड़ जाएगा। ये रोड का सीन निकाल, ये सीन नोट करने वाला। ये जीटी रोड बुमरे मोटरवे, ये मोटरवे अगर ऐसा मोटरवे तो हमारे को यही गोली मारो। यार बम्बू रेत के अंदर जब एंटर होते हैं ना तो यहाँ पर चेकिंग होती है, एक चेक पोस्ट लगी होती है, ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए होती है, जो बंदे नए आते हैं। तो उन्होंने हमारा कार्ड पकड़ा है तो अब वो चेक करने के लिए गया, शुएब साथ गया, तो वो अपना कार्ड वगैरह चेक करवा रहा। तो तू जैसे आते हैं तो चलते हैं भाई। यहाँ सारे रस्ते के अंदर ऐसे पत्थर और ऐसी ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ और रोड इंतहाई ख़राब है। और ये देख लो पानी, भाई लोग बोलते हैं कि 2 दिन हुए हैं धूप पड़ना स्टार्ट हुई है और ऊपर से बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हुई है, इस वजह से ये पानी है मैला, वरना ये पानी इतना साफ होता है कि हमारा फेस तक नज़र आ जाए। ऐसे ही है, हक बात है ठीक है। ये चेक करें, ये ना 10 साल बाद आए हैं अपने घर, मुख्तार भाई ना, तो कैसे अपने बच्चों से मिलते हैं। माशाल्लाह। ये देख लो भाई, ये वादी है। अभी हमें 3 घंटे हो गए हैं इसके अंदर बैठे को और चलते को। बम्बू रेत भी काफी टाइम से स्टार्ट हुई हुई है, लेकिन हमें नहीं पता लग रहा कि हम कहाँ उतरेंगे। बम्बू रेत मुख्तार भाई, कोई बात नहीं मुख्तार भाई। तो यार हम तो भाई बहुत ज्यादा थके हैं,
हमने जाना है मतीन होटल है, वो काफी ऊपर है, तो हमारा इरादा है वहाँ जाएं। वो थोड़ा हमारे बजट के मुताबिक ठीक है, तो हमारा इरादा मिलूंगा मैं आप लोगों से। यार भाई सलाम अलैकुम, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। यार ये मुख्तार भाई थे, इनके साथ हमारी बहुत अच्छी गपशप लगी है, नंबर भी एक्सचेंज हुआ है, तो इंशाल्लाह हम इनसे लाजमी मिलेंगे। अब सिर्फ गाड़ी में हम रह गए हैं। गिल भाई नारा मारो, अब हमारा सफर जारी है। अब हमारा भाई, अब हमारा, हाँ अब सारे लोग उतर गए हैं, बस अब मैं और शुएब रह गए हैं, और अब हम जा रहे हैं अब अपने सफर की तरफ, अपने होटल की तरफ। यार यहाँ पे उतरे हैं, तो ये हमारा सामान वगैरह उतार रहे हैं, ये कोई खाने की जगह, ये भी कोई होटल है, तो चेक करते हैं कोई होटल वगैरह के अंदर अगर कोई सीन बन जाता है तो, कुछ सस्ता कोई नॉर्मल सा हो। अभी तक तकरीबन हम भावलनगर से आए हैं, भावलनगर सिटी से, तो कई क्लिप हैं जो हमने ऐड नहीं किए, कई अमाउंट की चीज़ें हैं जो हमने दिखाई नहीं है। कम अज़ कम सिर्फ आना आना हमारा 15,000 से 18,000 में हो गया, सिर्फ आना आना। ये जो तकरीबन ये हज़ार पंद्रह हज़ार रुपये लेते हैं, क्योंकि स्पेशल आते हैं ये, बहुत ज़्यादा मुंह फाड़ते हैं, मतलब कि भाई पैसे ले लेते हैं। यार मैं 3 घंटे से इस बंदे को बोल रहा था कि भाई साहब ये जगह आगे आएगी, ये पानी, यार अल्लाह पाक की कसम ये बर्फ़ जैसा पानी है, बर्फ़ जैसा, आओ माँ कसम, फुल बर्फ़, फुल फुल, क्योंकि ये देखो वो नजर आ रहा है, वो देखो वो बर्फ़ है, वो देखो वो बर्फ़ है, ये वहाँ से पिघल पिघल कर पानी आ रहा है। मैंने कहा यार अभी गिर जाता, मैंने कहा यार मैं तो लाजमी नहाऊं, मेरे पैर सुन हो रहे हैं, इतना ठंडा पानी। गाइस मेरा इरादा था कि मैं इसमें नहाऊं, लेकिन नहाने वाला मुझे कोई सीन नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ये पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा। यहाँ आते हैं पहले पता करते हैं कि भाई अगर यहाँ कोई सीन बनता है तो। यार यहाँ पर ना फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ मैं खुबानी का जूस, तो भाई वगैरह ने कहा कि यहाँ पर ना सूखी खुबानियों का जूस बनता है पानी के अंदर, तो मैंने कहा यार हमें कराओ ट्राई। हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं मिलता खुबानी का जूस वगैरह, वो गिले वाली होती है जिसका मिलता है, लेकिन सूखी वाली का तो नहीं मिलता, तो आज फर्स्ट टाइम सूखी वाली का ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा 2 ग्लास बनाओ मेरा और शेब का, पीते हैं, करते हैं रिव्यू, देते हैं फिर कैसा बनता है क्या है। यार ये भाई ने ना छोटी सी अपनी कालीन और ये जगह वगैरह बना रखी है, कितनी मजे की, इन्होंने कहा भाई टेक लगाओ बैठो, गपशप मारते हैं, गपशप मारते हैं, आपको जूस पिलाते हैं, क्या हालात मालूम करते हैं कि क्या सीन है, कितने में मिलेगा क्या कुछ। उस सामने वाले बंदे से अभी अभी हमारी बात हुई है, उसने कहा आज का रेट है सिर्फ 1500, सिर्फ आज, कल परसों से फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा, फिर रेट है पर डे 24 घंटे का 7,000 से 8,000 रुपए। कहता मेरा सबसे छोटा कमरा है बिल्कुल, यार इतनी जगह एक बंदे की जगह देख रहे हो, सिर्फ इतनी जगह, एक सिंगल बेड भी मुश्किल से आया हो उसके, वो बंदा 7,000 रुपए मांग रहा है, कहता 7 से 20,000 तक का वो होता है। अब देखो क्या सीन बनता है, यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे होटल हैं और पीछे भी होटल हैं, देखो जहाँ पर सीन बना। यार ये खुबानी का जूस और ये चेक करें कितना ज्यादा थिक है, ये 100 का गिलास है और ये सिर्फ आपको कैलाश वैली में ही मिलेगा। यार हम आए थे ये कलाशी का कोई एंड पता नहीं कौन सा गांव है, ये देखो छोटे छोटे कलाशी बच्चे, तुम डरता क्यों काके, भाग गया। हमने यार ये कलाशी भाई को पकड़ा, हमने कहा यार हमें ना अपना गांव विजिट करवाओ, तो ये गांव विजिट करा रहे हैं हमें, हमारा इरादा बन रहा है इनसे कहा है कि हमें कोई कमरा दिखाएं। हम कमरे देखने नीचे आए थे, बहुत ज्यादा महंगे कमरे हैं, इतना बड़ा मुंह पाड़ रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, चल चल के मैं तो थक गया। देखो बहुत नीचे से आ रहे हैं, ये देखे पहाड़, अभी हमने वो ऊपर जाना है, तो वहाँ पर शायद कोई सीन बनता है तो ठीक है। भाई वगैरह बोल रहे हैं कि यार मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कोई सीन बना तो ठीक है, वरना नीचे चलते हैं, नीचे कोई सीन बनाते हैं। यार मैं आपको दोबारा बता दूं कि फेस्टिवल है 14, 15, 16 को, 3 दिन होता है, और कई यूट्यूबर होते हैं जो मिस गाइड करते हैं लोगों को, हमने भी उन्हीं की वीडियो देखी और हम आए हैं 11, 12, 13 के लिए। ये चेक करें कैसे कैसे उन्होंने शर्ट्स बना के दी रखे हुए हैं, ये लकड़ी के हैं और ये कैसे हैं, यार छोटे छोटे बच्चे हैं, ये फेस्टिवल की कर रहे हैं तैयारी, ये डांस कर रहे हैं और ये बजा रहे हैं ढोल। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर से कुछ दिखाते हैं कि ऊपर क्या और कैसा रास्ता है। और ना मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, हल्की हल्की बारिश आ रही है, और बारिश से पहले हमें चाहिए कि भाई अपना कोई कमरा शेड कुछ भी ले लें, जिससे हम भाई देखो छोटी सी बच्ची थी ना, मुझे देख के कैमरे से मुँह चुपा दिया। भाई ये चेक करो, पता नहीं कितना साल पुराना घर होगा, उसने कहा ये तकरीबन 150 साल पुराना है, तीसरी नस्ल आ रही है इस घर के अंदर, तीसरी नस्ल, ये चेक करो, हमें दिखा रहा है, कहता अंदर से दिखाता हूँ, कसम से थक गए हैं, रास्ते चेक करें कैसे कैसे रास्ते हैं, कैसी कैसी जगह से ऊपर जाना पड़ रहा है, चेक करें गाइस। बर्तन नए हैं भाई, बोल रहा है कि और ऊपर चलते हैं, और ऊपर से व्यू अच्छा आएगा। शेबी साहब व्यू का तो पता नहीं, लेकिन मेरे कैमरे में कुछ और अच्छा जरूर आ रहा है। कैसे कैसे रास्ते हैं, थोड़ा सा पैर फिसला बंदा खत्म, कितना मजे का व्यू देखने को मिल रहा है भाई, ये चेक करें माशाल्लाह।
सींग असली है, गर्दन नकली है, मार खोर के। हाँ ये मार खोर है गाइस। ये इधर का टॉप है, इस वक्त हम सबसे ऊपर आए हुए हैं। यहाँ से ये पहाड़ देख लो और ये देख लो, क्या यार ये ऊपर जा रहा है शेर। सींग और बकरियाँ शकरियाँ क्या कुछ उन्होंने बनाई हुई हैं, कैसा प्यारा लग रहा है यार, कैसी बेहद अथेंटिक व्यू आ रहा है, कितना अथेंटिक व्यू आ रहा है माशाल्लाह। ये है कैलाश वादी, है कैलाश यार। अभी फेस्टिवल स्टार्ट होने में तकरीबन अभी 2 से 3 दिन है, अभी हमने अपना रूम भी देखना है। और ये भाई लाए हैं, आपका क्या नाम बताया था आपने? सागर शाह। सागर शाह यार, ये सागर शाह भाई हैं, ये हमारे साथ हैं, इन्होंने हमें ये गांव विजिट करवाया है। मेहरबानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं नीचे भाई, बहुत ज्यादा सीढ़ियां थी और बड़ा ऊंचा था और हम बहुत ज्यादा थक गए हैं जी। ये वाला लकड़ी है, दो खड़े करते हैं फिर इसके बीच में वो लकड़ी, एक लकड़ी डाल के फिर वो धागा इसे इसको निकालते हैं। अच्छा, वो उधर से वो बेल, लड़कियों का बेल बनाते हैं। ये कह रहे हैं कि ये लकड़ियां खड़ी करते हैं, यहाँ बांधते हैं और इससे लड़कियों का बेल बनते हैं जो कलाशी लड़कियां पहनती हैं। पूरी बांधते हैं वो, इसको ही बांधते हैं। अच्छा, बांध के फिर वो धागे से उसको बनाते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा नीचे है भाई, पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। एक कमरा उसके अंदर फैमिली रह रही है, एक कमरा उसके अंदर फैमिली रह रही है। ये देखे ये कलाशी छोटे छोटे से बच्चे, इन्होंने अपने कल्चर को वो गाइस, मैंने जिसकी तरफ भी कैमरा किया वो अपना मुँह छुपाए थे। कितने प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह। बच्चे हाय करो, वो अपनी जुबान में बोल रहा है, इनको से हाय करो, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो शर्मा रहे हैं। हमें अभी तकरीबन 7-8 बच्चे मिले हैं जिनकी तरफ कैमरा करते हैं, वहीं कर लेते हैं पता नहीं क्यों। यार अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एक रूम मिल गया वो पीछे करके। ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग व्लॉग, मंडी सादीगंज से कैलाश तक का सफर। ये हमें बहुत महंगा पड़ गया, अभी तक रूम तक सारा कुछ डाल के खाना शाना, इसमें बहुत से क्लिप मैंने ऐड नहीं किए, वो इस वजह से क्योंकि मोबाइल के अंदर चार्जिंग खत्म हो गई थी। तो यार यहाँ पे करते हैं ब्लॉग एंड, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब सारा कुछ देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।